शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रूस ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया है। इस हमले के बाद ग्लोबल मार्केट में भयानक बिकवाली दिख रही है। फेड की घोषणा और रूस के हमले में तेजी से गोल्ड और क्रूड ऑयल की कीमत में उछाल देखा जा रहा है। यूक्रेन पर रूस का हमला तेज होने के बीच कच्चे तेल का भाव लगातार उछल रहा है। महंगा तेल भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। अगर रूस से तेल की सप्लाई आगे भी बाधित रहती है तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $185 के स्तर पर पहुंच सकता है। घरेलू इस्पात ने HRC और TMT सरिये का दाम 5,000 रुपए प्रति टन तक बढ़ा दिया है। यूक्रेन संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से घरेलू निर्माताओं ने इस्पात के दाम बढ़ाए हैं। उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में इस्पात की कीमतों में वृद्धि हुई है। रूस यूक्रेन संकट की वजह से कच्चे तेल की कीमत 9 साल के से ज्यादा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। इस महीने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है। देश भर में खाद्य तेलों में बुधवार को हुई भारी उठापटक के बाद गुरुवार को KLC में फिर तेजी लौट आई है। यूक्रेन संकट के चलते खाद्य तेलों और क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित होने से समूचे ग्लोबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जोरदार तेजी आ रही है। सोयाबीन की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके लेकर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि किसान अब भी सोच विचार से सोयाबीन बेचे, क्योंकि अभी आगे और भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल सरसों की फसल अच्छी होने की संभावना से उत्साहित तेल कारोबारियों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध का असर घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमत पर दिखेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और इनकी कीमत में $200 की तेजी देखने को मिल रही है। इस बार समय समय पर बारिश होने और मौसम अनुकूल रहने के कारण रबी फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। कुछ जगह पर तो गेहूं व चने की कटाई का काम भी शुरू हो गया है। गेहूं की चमक इस बार अच्छी है, जिससे किसानों को उसके अच्छे दाम मिल सकेंगे। भारत गेहूं का दूसरा बड़ा उत्पादक है। मौजूदा समय में भारत के पास गेहूं की सप्लाई भी पर्याप्त है, जो निर्यात बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। पहली फरवरी तक देश के केंद्रीय पूल में 2.82 करोड़ टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया है। रूस और यूक्रेन की जंग से दुनिया का कोई भी शेयर बाजार अछूता नहीं है। BSE का सेंसेक्स और NSE का निफ्टी दोनों शुक्रवार को बड़ी गिरावट के साथ खुले और कारोबार के अंत में गहरा गोता लगाकर ये बंद हुए। तो आज बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।